Welcome to all of you, my dear students. Today in this class we will discuss the family chapter of rural sociology in brief. So here it is your rural sociology part 2. So here we will discuss the family chapter in brief. So let's see. Here first of all we'll know the definition of family. So what is the definition? Family can be defined as a group having sex relationship, sufficiently precise and enduring to provide for procreation and upbringing of children is called as your family. So it is your definition. तो फैमिली किसको बोला जाता है, इसका डेफिनेशन क्या है? ए ग्रुप हैविंग सेक्स रिलेशनशिप होगा, और क्या होगा? सफिशेंटली प्रिसाइज एंड एंड्यूरिंग टू प्रोवाइड फॉर प्रोक्रिएशन एंड अपब्रिंगिंग चिल्ड्रन. ये दो मेन फंक्शन रहेगा फैमिली में, याद रखना इसको. ये जो है ये प्रोक्रिएशन एंड अपब्रिंगिंग चिल्ड्रन, ये दो बेसिक फंक्शन है फैमिली का. तो यहाँ पे द फैमिली that the word family derived कहाँ से हुआ था? ये word family, this term family is derived from your Roman. Okay, so Roman से ही आया था, derived हुआ था. और इसका जो basic function है, फंक्शंस है ऑफ फैमिली, क्या क्या है? दो है बेसिक फंक्शन मेनली. पहला है प्रोक्रिएशन, सेकंड है सोशलाइजेशन. ठीक है, तो यहाँ पे ये दो बेसिक फंक्शन है. द बेसिक फंक्शंस ऑफ फैमिलीज आर योर प्रोक्रिएशन एंड सोशलाइजेशन. Then basic unit of extension work is your family. तो हमारा जो extension work है, इसका basic unit है family. यहाँ पे हम बस important point discuss कर रहे हैं, जो कि एग्जाम के पर्पस के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा. तो ब्रीफली हम डिस्कस कर रहे हैं. नेक्स्ट कम टू द क्लासिफिकेशन. ठीक है, क्लासिफिकेशन नेक्स्ट देखेंगे. क्लासिफिकेशन ऑफ फैमिली. पहले देखते हैं क्या क्या क्लासिफिकेशन है. तो यहाँ पे है पहला, according to blood relations. ठीक है, living together. It is of two types. First is your nuclear, nuclear, then second one is your joint family. Okay, it is your nuclear family and
another one is your joint family. Then तो ये न्यूक्लियर फैमिली क्या है, यहाँ पे याद रखना ओनली वन मैरिड कपल इज देयर. ओके, तो ये यहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली में बस वन मैरिड कपल रहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ योर ब्लड रिलेशनशिप, ऑन द बेसिस ऑफ योर क्लोज ब्लड रिलेशनशिप. ठीक है, तो यहाँ पे हजबैंड वाइफ एंड देयर चिल्ड्रेन विल बी देयर, इन दैट देयर मस्ट बी क्लोज ब्लड रिलेशनशिप. एडॉप्ट किया गया चिल्ड्रेन नहीं रहना है. ठीक है, तो यहाँ पे हजबैंड वाइफ के साथ उनका चिल्ड्रन रहेंगे, एक ही मैरिड कपल रहेंगे. बट व्हाट इज जॉइंट फैमिली, जॉइंट फैमिली इज मोर देन वन मैरिड कपल विल बी देयर. तो यहाँ पे भी हमारा क्लोज ब्लड रिलेशनशिप रहना पड़ेगा. ठीक है, तो जॉइंट फैमिली इज मोर देन वन मैरिड कपल रहेंगे इसमें, और न्यूक्लियर में ओनली वन मैरिड कपल रहेंगे. ठीक है, समझ में आ गया. नेक्स्ट इज योर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज सेकेंड क्लासिफिकेशन इज अकॉर्डिंग टू स्टेजेस ऑफ लाइफ तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू स्टेजेस ऑफ लाइफ ये डिवाइड हुआ है फैमिली इज ऑफ टू टाइप्स. क्या क्या है, पहला है आपका फैमिली ऑफ ओरिजिन, और ओरिएंटेशन, एंड सेकेंड वन है फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन. So here, before marriage, that is when you are with your parents, that is your family of origin or family of orientation up to marriage. But after marriage, when you are living with your children and with your wife, then that is your family of procreation. ठीक है, तो समझ में आ गया फैमिली ऑफ ओरिजिन क्या है और फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन क्या है. तो यहाँ पे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि फैमिली ऑफ ओरिजिन दैट इज कैन बी डिफाइन एज योर फैमिली ऑफ ओरिजिन और ओरिएंटेशन, दैट इज द फैमिली इन व्हिच वन बर्न एंड गेट इनिशियल ओरिएंटेशन टू दी नॉर्म्स ऑफ फैमिली एंड सोसाइटी. ये कहाँ पे होता है, ये फैमिली ऑफ ओरिजिन और ओरिएंटेशन में होता है. ठीक है, और क्या है फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन, ये इसका डेफिनेशन क्या है फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं द फैमिली व्हिच सेट्स ऑफ आफ्टर मैरिज. ठीक है, तो स्टेज डिफरेंट स्टेज में आ गया. तो पहले जन्म लिए, मम्मी पापा के साथ रहे तो वो हो गया, सोसाइटी के साथ रहे तो वो हो गया आपका फैमिली ऑफ ओरिजिन, जहाँ पे जन्म लिए ओरिजिन आपका है, और ओरिएंटेशन ठीक है वहाँ पे आप मतलब सोसाइटी के साथ मिलजुल कर रहे, वहाँ के नॉर्म्स वैल्यूज ये सब जानने को मिला, तो ये हो गया आपका ओरिएंटेशन मिला. तो
कैसे रहना है, क्या कैसे क्या करना है, तो क्या सही है क्या गलत है, सब ये सब चीज़ उस फैमिली में आप जाने। तो ये हो गया फैमिली ऑफ ओरिजिन और फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन। बट ये एक स्टेज, पहला स्टेज ख़त्म हो गया। तो उसके बाद क्या आएगा, आप मैरिज कर लिए, आपका शादी हो गया, तो क्या होगा उसके बाद, अगर और एक नई दुनिया स्टार्ट हो रहा है, आपका नया फैमिली स्टार्ट कर रहे हैं, अपना खुद का बच्चे हो रहे हैं, तो वो हो जाएगा आपका फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन, जो कि आपका सेकेंड स्टेज ऑफ लाइफ है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन एंड फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन, सेकेंड क्लासिफिकेशन ख़त्म हो गया। तो नेक्स्ट आते हैं तीन नंबर में, थर्ड क्लासिफिकेशन इज योर अकॉर्डिंग टू न्यूमेरस नेस ऑफ हजबेंड्स एंड वाइफ्स। तो यहाँ पे हम दो टाइप के फैमिली पढ़ेंगे। पहला है, ये जो फैमिली इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दैट इज योर फर्स्ट वन पॉलीएंड्रस फैमिली एंड सेकेंड वन इज योर पॉलीगैनस फैमिली। तो यहाँ पे नाम से ही आप जान सकते हैं ये किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अगर हजबेंड्स ज़्यादा रहे, मैनी हजबेंड्स वन वाइफ, देन यहाँ पे आप बोल सकते हैं ये क्या है, पॉलीएंड्रस फैमिली। तो फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम अगर कंसिडर करेंगे, बस पंचू पांडव जो हैं वो, उनको कुंती पुत्र जो हैं वो, पांचों पांडव और द्रौपदी इन महाभारत, नॉर्मली ये नहीं होता है, बट ये महाभारत में दिखाया गया है, आप लोग देखे होंगे। तो यहाँ पे क्या है, पॉलीएंड्रस फैमिली है, अगर हम उन्हीं को बस कंसिडर करेंगे तो। ठीक है, तो ये हो गया आपका पॉलीएंड्रस फैमिली। तो पॉलीगैनस फैमिली क्या है, मैनी वाइफ्स। ठीक है, तो मैनी वाइफ्स वन हजबेंड। तो यहाँ पे क्या है, अगर एक आदमी के बहुत सारे वाइफ रहेंगे, तो मतलब जैसे कि एक हजबेंड रहेंगे, वन हजबेंड एंड मैनी वाइफ्स, जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल इन मुस्लिम, यू कैन फाइंड इन मुस्लिम। सो यहाँ पे क्या होता है, एक हजबेंड रहते हैं और मैनी वाइफ्स रहते हैं, तो इट इज़ अलाउड देयर। सो इट इज़ द एग्जांपल ऑफ योर पॉलीगैनस फैमिली। तो कोई डाउट नहीं है, यहाँ पे आराम से समझ सकते हैं इसको। ठीक है, देन अनदर क्लासिफिकेशन इज फोर्थ क्लासिफिकेशन, कम टू द फोर्थ क्लासिफिकेशन, दैट इज अकॉर्डिंग टू लिनिएज फैमिली। फैमिली इज ऑफ टू टाइप्स, इज ऑफ टू टाइप्स, क्या क्या है, पहला है आपका पैट्रिलिनियल, पैट्रिलिनियल और क्या है, सेकंड टाइप है मैट्रिलिनियल। ठीक है, तो पैट्रिलिनियल क्या है और मैट्रिलिनियल क्या है, देखते हैं ये पैट्रिलिनियल फैमिली क्या है और मैट्रिलिनियल फैमिली क्या है। तो पैट्रिलिनियल बोलता है कि यहाँ पे क्या होता है, जो भी धन संपत्ति होगा, जो भी माता पिता का मतलब जो भी दौलत होगा, वो क्या होगा, किसको, वो प्रॉपर्टी सब ट्रांसफ़र होगा किसको, पैट्रिलिनियल में, अपने
सन्स को, ठीक है, यहाँ पे दैट इज सन्स और मेल साइट्स, मेल साइट्स, ठीक है। तो इसको बोला जाएगा पैट्रिलिनियल फैमिली। मैट्रिलिनियल फैमिली क्या है, अगर अगर जो प्रॉपर्टी है, जो भी माता पिता का प्रॉपर्टी है, वो अगर फीमेल साइड, फीमेल साइड या फिर डॉटर्स, डॉटर्स को ट्रांसफर हुआ तो उसको बोला जाएगा क्या, मैट्रिलिनियल फैमिली। यहाँ पे पैट्रिलिनियल मीन्स उत्तराधिकारी कौन है, यहाँ पे सन्स, और यहाँ पे क्या है, डॉटर्स, उत्तराधिकारी कौन है, डॉटर्स। तो ये दो टाइप है हमारा फैमिली का। नेक्स्ट अनदर क्लासिफिकेशन हियर इट इज योर फिफ्थ वन, फिफ्थ वन इज योर अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ रेसिडेंस, रूल ऑफ रेसिडेंस, ठीक है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ रेसिडेंस फैमिली इज ऑफ टू टाइप्स, क्या क्या है टू टाइप्स, पहला है मैट्री लोकल, लोकल, अनदर है पैट्री लोकल। तो यहाँ पे मैट्री लोकल क्या है, पैट्री लोकल क्या है जानते हैं, ये फैमिली क्या है, फैमिली टाइप क्या बोलते हैं। मैट्रिलोकल फैमिली मीन्स यहाँ पे क्या होगा, हस्बैंड मैरिज हो गया, ठीक है, मैरिज होने के बाद हस्बैंड क्या करेगा, अपने वाइफ के साथ उसके वाइफ के घर में रहेगा, अपने सास ससुर के साथ रहेगा, तो उसको बोला जाएगा मैट्रिलोकल फैमिली। अगर जो अगर हस्बैंड वाइफ साथ में रहेंगे, लेकिन बात यह है कि वो कहाँ रह रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो कहाँ रह रहे हैं, ठीक है, तो इसके हिसाब से हम इसको डिस्टिंग्विश कर रहे हैं। तो मैट्रिलोकल में हम जान गए कि नहीं, अगर हस्बैंड शादी के बाद अपने वाइफ के घर में रहा तो उसको उसको बोला जाएगा मैट्रिलोकल फैमिली। पैट्रिलोकल फैमिली वैसे ही इसको, अगर योर वाइफ, वाइफ आफ्टर मैरिज वाइफ क्या करेंगे, वो हस्बैंड के घर में अपने सास ससुर के साथ रहेंगे, तो उसको बोला जाएगा पैट्रिलोकल फैमिली, जो कि हमारे इंडिया में नॉर्मली होते हैं, ठीक है, और ये फास्ट वाला नॉर्मली नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं मैट्रिलोकल फैमिली दैट फैमिली, फैमिली वेयर हस्बैंड गोज टू लिव विद द फैमिली ऑफ हिज वाइफ एंड द फैमिली लाइन गोज with the mother is called as your matrilocal family, local family, ठीक है। वैसे ही another family, family where married couple and their offsprings put off with the husband's family or in a new household, household set of the husband
इज कॉल्ड एज योर पेट्रिलोकल फैमिली ठीक है। वैसे ही हम मैट्रिलिनियल को भी हम डिफाइन कर सकते हैं, मैट्रिलिनियल फैमिली कैन बी डिफाइन एज योर द डिटर्मिनेशन ऑफ डिसेंट एंड प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस टेंस ऑकर अलोंग फीमेल साइड इट इज योर मैट्रिलिनियल फैमिली। इफ इट इज मेल साइड देन इट इज योर पैट्रिलिनियल फैमिली। ओके ठीक है, तो ये हो गया आपका डिफरेंट क्लासिफिकेशंस। और कुछ है ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। फैमिली अगर फैमिली क्या है, कंसिस्ट करेगा ग्रुप लार्ज ग्रुप होगा और वहाँ पे डिफरेंट ब्लड रिलेटिव्स रहेंगे इन ए विथ ए फ्रीज ऑफ स्पाउजेस, देन इसको बोला जाएगा क्या, कंसंग्विनस फैमिली। फैमिली कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज ग्रुप ऑफ ब्लड रिलेटिव्स विथ ए फ्रिंज ऑफ स्पाउजेस इज कॉल्ड एज कंसंग्विनस फैमिली। ठीक है, तो यहाँ पे सब मिलजुल के रह रहे हैं। और ये कहाँ देखा जाता है, हमारा इंडियन फैमिलियों में नॉर्मली देखा जाता है, इंडियन फैमिलीज में दिखा जाता है। तो नॉर्मली ये पहले से था, लेकिन अभी क्या हो रहा है, ये डिवाइड होते होते सब भाग भाग होके अलग अलग हो जा रहे हैं। तो कॉन्सांग्विनस फैमिली जो है वो ब्रेक हो रहा है, इंडियन फैमिली जो है वो नॉर्मली कॉन्सांग्विनस फैमिली रहते हैं, लेकिन अभी वो चेंज हो रहा है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, फैमिली कंसिस्ट ऑफ हजबेंड वाइफ एंड एडॉप्टेड एंड adopted children, that is no blood relation, is called as your conjugal family ठीक है। तो ये क्या है, ये बोल रहा है कि हस्बैंड वाइफ तो रहेंगे ही, लेकिन जो बच्चा रहेगा वो एडॉप्टेड वाला रहेगा, तो उसको बोला जाएगा वो कंजुगल फैमिली। ठीक है, तो इतना ही आज के लेक्चर सेशन में। तो ये रहा आपका आज का नोट्स मटेरियल्स फॉर एग्जाम्स। इट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कम इन योर GRF एग्जाम ऑल्सो, एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑल्सो। सो
दिस मच ओनली इन दिस लेक्चर सेशन. इफ एनी क्वेरीज यू कैन आस्क योर डाउट्स इन द कमेंट बॉक्स एंड हियर वी विल फिनिश आवर लेक्चर सेशन. थैंक यू फॉर लिसनिंग. हैव ए गुड डे.